साइबर क्राइम रोकने के लिए यूपी में बड़ी तैयारी हो रही है। सीएम योगी के निर्देश के बाद आगामी 2 महीने के भीतर प्रदेश में 57 नए साइबर क्राइम थानों की स्थापना होगी, जबकि हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क के अलावा अब साइबर सेल भी क्रियाशील होंगे। सभी साइबर पुलिस क्राइम थाने स्थानीय पुलिस लाइन में स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान इस बात को साफ तौर से कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के समय में तकनीक के दुरुपयोग से अपराध की प्रकृति भी बदली है। आज कस्टमर केयर फ्रॉड, पेंशन फ्रॉड, बिजली के बिल के फ्रॉड, वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड और तमाम लोन ऐप फ्रॉड के जरिए लोगों को ठगने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाने के तमाम प्रयास हैं। इन सब के बीच अपराधों पर बड़ी नकेल कसी जा सके, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके, इसके लिए प्रदेश के 57 जिलों में नए साइबर थानों के गठन की बात कही जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हर थाने में एक साइबर क्राइम की अलग से डेस्क भी बनाई जाएगी। शाहजहांपुर में पुलिस ने 1.5 करोड़ की अफीम के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर तस्कर शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। मामला थाना अल्लाहगंज जिला के का है। दोनों आरोपी कई बार जेल जा चुके हैं। पुलिस द्वारा मिली सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 1.5 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके जो पिता हैं वो अफीम की खेती करते हैं, लाइसेंस उनके पास, उसी में से थोड़ी बचा के ये इस तरह के काम करते हैं। जब पूछताछ की जा रही है कि इनके लोगों को इन्होंने बेचा है, सारी लिंकेज का पता करके कार्रवाई की जा रही है।